हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ HPU ICDEOL के बारे में। किसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला, एज। फिर आपको उसमें टाइप करना है HPU ICDEOL एडमिशन 2023 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ से आपको HPU से रिलेटेड आपको सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे दिया गया HPU ICDEOL एडमिशन 2023 एप्लीकेशन आउट डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है एंड इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग, इसका फुल फॉर्म है। एंड इसका HPU का फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। देन आपके सामने फॉर्म आएगा, इसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हेल्थ क्वालिफिकेशन एंड आपको गेट फी काउंसलिंग में क्लिक करना होता है। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। देन यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है कि जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, क्लिक पर आप क्लिक करेंगे देन आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है। देन यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप न्यू टैब में ओपन हो गए हैं। एंड देन यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है HPU हेल्पलाइन, अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो आप क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे दिया गया अंडर ग्रेजुएट से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, आपको जिस भी प्रोग्राम्स के लिए चाहिए या जिस भी चीज़ के लिए चाहे आपको उस पर क्लिक करना, देन यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। देन यहाँ पे BCom दिया गया, BEd या फिर बैचलर्स ऑफ आर्ट, जो भी आपको करना है आप उस पर क्लिक करेंगे एंड देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, आपको उसको रीड करना है। देन आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे आप एंड देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको अपने कोर्स का नेम डाला गया, बैच है, आप यहाँ पे अपना नेम डालेंगे कैपिटल लेटर में, फादर नेम डालेंगे, मैट्रिक सर्टिफिकेट पे जो होगा आप वैसे ही डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, फिर आपको जो अपना एड्रेस देना होता है, पोस्ट ऑफिस देना बताना होता है, देन तहसील बताना होता है एंड डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, देन पिन कोड, व्हाट्सएप नंबर, फिर आप कहाँ पर रहते हैं आपको उसका एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, फिर आप ईमेल आईडी देना है। देन आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बतानी होती है, आधार नंबर लिखना होता है। देन यहाँ पे आपको जो अपना टेंथ का आपको जो है सॉरी ट्वेल्थ का आपको जो है मार्कशीट देना होता है एंड देन यहाँ पे जो है HPU रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। देन आपको नेशनलिटी बतानी है, जेंडर बतानी है एंड देन आपको जो है आपने ट्वेल्थ कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का था, कहाँ से कम्प्लीट किया था वो बताएंगे, डिप्लोमा HP बोर्ड से या फिर HP टेक्निकल बोर्ड से या फिर अदर। देन उसके बाद यहाँ पे दिया आर यू आर बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगर आप बोनाफाइड हैं तो आप मतलब जैसे कि अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप जो यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते, नहीं तो नो पर क्लिक कर सकते। देन आर यू वार्ड ऑफ HPU एम्प्लॉय, अगर आप कुछ वार्ड हैं तो फिर आप जो है यस पे क्लिक कर सकते हैं, तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे PCB सेंटर दिया, सॉरी PCP सेंटर दिया गया है एंड देन यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी दिया गया है, डू यू बिलोंग टू, मतलब आप रूरल एरिया से बिलोंग कर दें फिर अर्बन एरिया से, एंड देन यहाँ पे आपको फिजिकली चैलेंज